श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। एयरपोर्ट पर पहुंची है पहली फ्लाइट। आईजीआई एयरपोर्ट से कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचे हैं यात्री। वाटर कैनन सैल्यूट से हुआ फ्लाइट का स्वागत। कुशीनगर से दिल्ली जाने वाले यात्री पहुंचे हैं एयरपोर्ट। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंची है पहली फ्लाइट, जहां आईजीआई एयरपोर्ट से कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंची है। वाटर कैनन सैल्यूट से हुआ है फ्लाइट का स्वागत। कुशीनगर से दिल्ली जाने वाले यात्री पहुंचे हैं एयरपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईजीआई एयरपोर्ट से कुशीनगर पहुंची है पहली फ्लाइट। वाटर कैनन सैल्यूट से हुआ है फ्लाइट का स्वागत। कुशीनगर से दिल्ली जाने वाले यात्री पहुंचे हैं एयरपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर। हमीरपुर बदमाशों के हौसले हुए हैं बुलंद। बदमाशों ने घर में घुसकर की है लूटपाट। महिला की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर नकदी और जेवर लूटे। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर दर्ज किया है मुकदमा। गुरारा थाने के बिजली उपकेंद्र के पीछे की है ये घटना। इस वक्त की बड़ी खबर। हमीरपुर से बदमाशों के हौसले हुए हैं बुलंद। बदमाशों ने घर में घुस कर महिला की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर की है लूटपाट। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर दर्ज किया है मुकदमा। कुरारा थाने के बिजली उपकेंद्र के पीछे की है यह घटना। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने घर में घुसकर की है लूटपाट। महिला की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर नकदी और जेवर लूटे। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर दर्ज किया है मुकदमा। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानों ने उठाया सफाई का जिम्मा, जहां गांव और कस्बों की कार्रवाई सफाई। कस्बे में नाला और नालियों की करवाई है सफाई। फतेहपुर के हुसैनगंज कस्बे का है ये पूरा मामला। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रधानों ने सफाई का जिम्मा उठाया। गांव और कस्बों के नाला और नालियों की करवाई है सफाई। फतेहपुर के हुसैनगंज कस्बे का है ये पूरा मामला। प्रधानों ने उठाया सफाई का जिम्मा। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। गांव और कस्बों की करवाई है सफाई, जहां कस्बे में नाला और नालियों की करवाई है सफाई। फतेहपुर के हुसैनगंज कस्बे का है ये पूरा मामला। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना गंदगी मची हुई है। कहीं कितने नाले वहां पर गंदे हो रहे हैं, जिसका जिम्मा साफ सफाई कराने का जिम्मा उठाया है वहां के प्रधान ने। फतेहपुर के हुसैनगंज कस्बे का है ये पूरा मामला। प्रधानों ने उठाया है ये सफाई का जिम्मा, जहाँ गाँव और कस्बों की करवाई है सफाई। कस्बे में नाला और नालियों की सफाई करवाई है वहां के प्रधान ने। फतेहपुर के हुसैनगंज कस्बे का है ये पूरा मामला। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर। दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ है हादसा। ट्रेन की दो एसी कोच में लगी है भीषण आग। आग लगने से रेलवे विभाग में मचा है हड़कंप। हादसे में फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित। दुर्ग से उधमपुर जा रही थी ये एक्सप्रेस ट्रेन। आगरा और झांसी मंडल के अधिकारी मौके पर मौजूद। धौलपुर मुरैना के बीच हुआ है ये हादसा। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर। दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में लगी है आग। ट्रेन के दो एसी कोच में लगी है भीषण आग, जहां आग लगने से रेलवे विभाग में मचा है हड़कंप। हादसे में फिलहाल सभी यात्रियों को सुरक्षित बताया जा रहा है। दुर्ग से उधमपुर जा रही थी ये एक्सप्रेस ट्रेन। आगरा और झांसी मंडल के अधिकारी मौके पर हैं मौजूद, जहां धौलपुर मुरैना के बीच हुआ है ये पूरा हादसा। दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में लगी है आग। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगी है।
किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं दी जा रही है। अभी सभी यात्रियों को सुरक्षित बताया जा रहा है। दुर्ग से उधमपुर जा रही थी एक्सप्रेस ट्रेन, जहां आगरा और झांसी मंडल के अधिकारी मौके पर है मौजूद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ममता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। तो ममता, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कारण बताया जा रहा है आग लगने का? जी बिल्कुल मैम, आपको बता दूं कि जिस तरह से ये चलती हुई पटरी पर दौड़ती हुई आग में जो ट्रेन में जो आग लगी है, तो इसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फिलहाल अधिकारियों ने कुछ भी कहने से भी नहीं कहा है, कुछ भी कुछ मना कर दिया है, लेकिन साफ तौर से ये है कि इसमें जो जो स्पायरिंग हुई है, जो शॉर्ट सर्किट है, उसी के दौरान ये आग लगने का जहां तक एक अनुमान लगाया जा रहा है। जी, किसी के हताहत होने की जानकारी दी जा रही है, क्या कुछ लोग क्या घायल भी हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि फिलहाल इस तरह की कोई भी सूचना नहीं है, और इस फिलहाल सभी यात्री जितने भी दोनों जो दोनों कोचों में जो यात्री थे, वो यात्री एकदम सुरक्षित हैं और किसी को भी कोई परेशानी या नुकसान किसी तरह का नहीं हुआ है। जी, किस वक्त की है ये घटना, किस वक्त ये हादसा हुआ है? जी श्रोता, बिल्कुल आपको बता दूं कि आगरा से ये जो दुर्ग सुपरफास्ट जो एक्सप्रेस जो ट्रेन है, जो आगरा से जा रही थी, तो वहीं धौलपुर और मुरैना के बीच में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो वहीं हादसे को देखते हुए आगरा और झांसी मंडल के जो सभी अधिकारी मौके पर भी मौजूद हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हम आपको मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे थे, जहां ट्रेन के दो एसी कोच में लगी है भीषण आग। आग लगने से रेलवे विभाग में मचा है हड़कंप।